एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विंस मेकअप एंड ब्यूटी वर्ल्ड। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे वन बाय वन सीरीज़ अपलोड कर रही हूँ, और उस सीरीज़ में मैंने फाउंडेशन, आई शेडो और कंसीलर का यूज़ आपको बताया था, उनके सारे जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब कुछ आपके साथ मेंशन किया था। तो आज उस सीरीज़ में मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हाइलाइटर। हाइलाइटर क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, उसको किस फॉर्म में हाइलाइटर अवेलेबल होता है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, उसको अप्लाई करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट्स आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मैं मूव ऑन करती हूँ अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाइलाइटर। तो हाइलाइटर क्या होता है फॉर्म फ्रेंड्स, हाइलाइटर जो होता है वो पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद एक टचअप होता है, या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो हमारे पूरे मेकअप अप्लाई करने के बाद एक जो हम कह सकते हैं जो मैजिकल प्रोडक्ट होता है वो हाइलाइटर होता है, जो हमारे पूरे मेकअप को बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, इन्हेंस करता है और हमें बहुत ग्लोई इफेक्ट देता है। तो ये होता है हाइलाइटर। प्लस हाइलाइटर किस फॉर्म में आता है, तो मार्केट में हाइलाइटर दो फॉर्म में अवेलेबल है, एक होता है लिक्विड हाइलाइटर, दूसरा होता है पाउडर हाइलाइटर। तो मेरे पास दोनों ही फॉर्म के हाइलाइटर अवेलेबल हैं। तो एक जो मेरे पास लिक्विड फॉर्म का हाइलाइटर है वो है ये रेवलॉन का फोटो रेडी स्किन लाइट्स हाइलाइटर, ये देख सकते हैं आप। और दूसरा जो मेरे पास पाउडर फॉर्म का हाइलाइटर है वो है ये मेकअप रिवोल्यूशन का स्ट्रोब हाइलाइटर। तो ये दोनों ही हाइलाइटर बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ये हुआ हाइलाइटर के टाइप्स। अब हमें क्या करना है कि हाइलाइटर को लगाना कैसे है, उसको लगाने के लिए हमारा ब्रश कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको हाइलाइटर के लिए एक स्मॉल ब्रश लेना होता है, उसका साइज कुछ ऐसा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं होना चाहिए वो ब्रश, इसके स्मॉल ब्रश होना चाहिए, ना ही बहुत पतला होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा वाइड होना चाहिए। तो कुछ इस टाइप का ब्रश आपको हाइलाइटर यूज़ करने के लिए लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हाइलाइटर को अप्लाई कहाँ किया जाता है। तो हाइलाइटर को अप्लाई करने के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स पे हमें हाइलाइटर को यूज़ किया करना होता है। तो सबसे पहले आपको आपके चीक्स पे जो चीक बोन होती है वहाँ पे आपको हाइलाइटर यूज़ करना होता है। और चीक बोन को हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होता है कि ये इस तरीके से आप ये जो स्टिक है इसको आप रखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बोन फील होगी। इसी ये जो बोन होती है इसको हम चीक बोन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको हाइलाइटर अप्लाई करना होता है। इसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है वो है आपका ये ब्रिज ऑफ योर नोज़, इस पे आपको हाइलाइटर अप्लाई करना होता है। थर्ड जो है वो है आपको ब्रो बोन के ऊपर। नेक्स्ट जो है वो है आपके चिन पे, यहाँ पे आपको हाइलाइटर अप्लाई करना होता है। इसके बाद आपको क्यूपिड बो के ऊपर थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करना होता है। साथ ही साथ आप अपने ब्यूटी बोन पे, अपने शोल्डर पे भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। बट आज मैं आपसे सिर्फ फेस के बारे में बात करूँगी कि फेस पे आपको हाइलाइटर कैसे अप्लाई करना है। तो ये था इसके सारे पॉइंट्स। अब चलते हैं हम हाइलाइटर अप्लाई करने के प्रोसेस की तरफ। ओके, तो मैं आपके साथ ये पाउडर हाइलाइटर का एप्लीकेशन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ये हाइलाइटर लेना है और ये ब्रश आपको लेना है। इन दोनों को लेकर आपको ब्रश में हाइलाइटर को पिक करना है। और जो भी एक्स्ट्रा हाइलाइटर ब्रश में है उसको आपको इस तरीके से डैप कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले आपकी जो चिक बोन है वहाँ पे आपको हाइलाइटर इस तरीके से अप्लाई करना है। शोर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो ये आपको दोनों तरफ अपने चिक बोन्स के ऊपर हाइलाइटर को इस तरीके से अप्लाई करना है। और हाइलाइटर यूज करते वक्त आप हमेशा स्माइल करें, जिससे आपकी जो चिक बोन है वो आपको आसानी से आपका ब्रश वहां तक पहुंच जाए। तो
तो ये आप देखें कि हाइलाइटर अप्लाई करते ही हमारा जो फेस है वो बिल्कुल ग्लोई हो जाता है और हमारे फेस को ये बहुत ही सुंदर सा व्यू देता है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने जो आपको बताया वो आपको करना है अपने ब्रिज ऑफ योर नोज। उसके बाद हम ये कवर करेंगे। किस तरीके से आपको अपने ब्रश को फ्लैट करके आपको ग्रो बोन के ऊपर हाइलाइटर अप्लाई करना है। हाइलाइटर सभी लोगों का फेवरेट होता है बट हम समझ नहीं पाते हैं और कई लोग क्या गलती करते हैं कि अपने चीक बोन के नीचे हाइलाइटर अप्लाई कर लेते हैं या फिर अपने पूरे फोरहेड पे हाइलाइटर अप्लाई कर लेते हैं तो वो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है क्योंकि आपका जो पूरा फेस है वो पूरा शिमरी हो जाता है। तो ऐसा वो इस टाइप का लगने लगता है जैसे आपने अपने फेस पे कोई शिमरी मास्क लगा लिया हो। तो अभी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, इस तरीके से आपको हाइलाइटर अप्लाई करना है। उसके बाद आप अपने ब्यूटी बोर्ड पे अपने शोल्डर पे हाइलाइटर को अप्लाई कर सकते हैं जहाँ भी आपका मन करे, एज यू विश। तो ये था हमारा कि हाउ टू अप्लाई योर हाइलाइटर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी आपको हाइलाइटर लगाना भी अच्छे से आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरे चैनल पे सीरीज चल रही है तो आप ये सीरीज को कंटिन्यू देखते रहे। वन बाई वन मैं सारे प्रोडक्ट्स, उनका यूज, उनका परचेज लिंक और उनके एप्लीकेशन सारा कुछ आपसे शेयर करती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, सारे सीरीज को देखते रहिए। इसके साथ आज का जो हाइलाइटर का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और चलते हैं हम अपने आज के हैक की तरफ। तो आज का जो हैक है वो ये है कि अगर आपके लिप्स पिगमेंटेड हैं, अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं और आप कोई भी लिपस्टिक, चाहे वो डार्क हो चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो और कितनी भी कॉस्टली हो, उसका कलर आपके लिप्स पे नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने लिपस्टिक को अप्लाई करने से पहले अपने लिप्स पे थोड़ा सा कंसीलर लेकर उसको अपने लिप्स पे अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद आप अपनी पसंद की कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो उसका जो टिंट है, उसका जो ओरिजिनल कलर है, वो बिल्कुल निखर के आपके लिप्स पे आएगा, चाहे आपके लिप्स डार्क हो या फिर पिंक हो या फिर लाइट हो, कैसे भी हो। तो ये था मेरा आज का एक यूज़फुल हैक। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिग लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और आप में सपना ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।